एक सियासी लीडर ने कहा, मेरे मेहरबान ने कहा कि मैं नवाज शरीफ से मुनाजरा करना चाहता हूँ। मैं उसको कहना चाहता हूँ कि आप नवाज शरीफ को दावत दें कि वो सूबा की, आपके सूबा का मुआयना करे, वहां पर मुनाजरा भी होगा, वहां पर मुवाजना भी होगा। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी आमने सामने। शहबाज शरीफ ने बिलावल का नवाज शरीफ को मुनाजरे का चैलेंज मशरू तौर पर कबूल किया। कहा, बिलावल भुट्टो मुनाजरा करना चाहते हैं तो नवाज शरीफ को सिंध में बुलाएं, नवाज शरीफ मुआयना करेगा, मुनाजरा भी होगा, मुवाजना भी होगा। मशरूत मुनाजरे की दावत पर बिलावल भुट्टो का भी जवाब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, मुनाजरे के लिए तैयार हूँ, बताएं सिंध के किस शहर में और किस तारीख को करना है। नवाज शरीफ मुझसे खैरपुर गंबट में मुनाजरा कर लें। खैरपुर गंबट का अस्पताल पंजाब के किसी भी अस्पताल से बेहतर है, या फिर मियाँ साहिब थरपार कर आ जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर का मुआयना भी हो जाएगा, चोलिस्तान से थर का मुवाजना भी हो जाएगा। मियाँ साहिब कराची के NICVD के बाहर मुबासा कर लें, जहाँ गुज़श्ता बरस पंजाब के 85 लाख अफराद का इलाज हुआ। गिला शिकवानी करना चाहता, मैं कोई शिकायत लगाने के मूड में आज नहीं आया, मैं तो मुस्तकबिल की बात करने आया था। जेलों में रहने के बाद आज फिर अपना मंशूर पेश करने के लिए आपके सामने बैठे हैं, क्या अजीब इत्तेफाक है। और समझ कभी कभी सोचता हूँ भाई, कुछ गलती का तो पता लगना चाहिए कि गलती हुई कहाँ। आनन फानन छुट्टी करा देना, हुकूमत से निकाल देना, किस लिए। पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो, मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ ने मंशूर पेश करने की तकरीब से खिताब करते हुए कहा, शिकायत लगाने के मूड में नहीं, माजी की ज्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूं। इंतकाम नहीं, तरक्की की सियासत पर तवज्जो मरकूज है। हुकूमत मिली तो मंशूर पर पूरी तरह अमल करेंगे, अगर अपोजिशन में आए तो वो काम नहीं करेंगे जो दूसरों ने किया। कुछ लोगों का मंशूर ही धरना और एहतजाज करना है। आज मुल्क का जो हाल कर दिया गया उसे देखकर लगता है 2013 में खैबर पख्तूनख्वा में PTI को हुकूमत बनाने का मौका देकर गलत किया। हमने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी, मुल्क को दिवालिया होने से बचाने की सियासी कीमत चुकाई, हमेशा असूलों पर सियासत की। कभी सोचता हूँ कि गलती का तो पता लगना चाहिए, अपने ऊपर जब्त कर रहा हूँ, सब्र से काम ले रहा हूँ, माशाल्लाह दौर की बात नहीं करना चाहता। का सच्चा मंशूर आपने 3-3 दफा ये नवाज देखा है, ये कितना सच्चा नवाज है। अब जब बॉम्बे मैंने उनका सच आपके सामने रख लिया है, बाकी उनका सच देखे जरा जरा। नून लीग वाले कहते हैं, सच्चे नवाज का सच्चा मंशूर है, हमने 3 बार नवाज का दौर देखा, हमें पता है वो कितना सच्चा है। बिलावल भुट्टो की नवाज शरीफ पर लफ्जी तीरों की बारिश। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने पेशावर में जलसे से खिताब करते हुए कहा, नून लीग अशराफिया की और पीपल्स पार्टी अवाम की नुमाइंदगी करती है, CPAC के बानी नवाज शरीफ नहीं, आसिफ जरदारी ने चीन से मुआहदा किया। नून लीग ने CPAC का पैसा चोरी करके ऑरेंज लाइन पर लगाया। बिलावल भुट्टो की बानी पीचाय पर भी कड़ी तनकीद। बोले, बानी पीचाय कहते थे सबको जेलों में डालूंगा, आज खुद जेल में है, कहते थे NRO नहीं दूंगा, आज कहते हैं सबसे बात करने को तैयार है, सियासी मुखालफीन की बेटियों और बहनों को गिरफ्तार नहीं करूंगा। पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो मंशूर पर इलेक्शन लड़ रही है। किसी को शेर से शिकायत है, वो शिकार नहीं कर रहा, 8 फरवरी को लग पता जाएगा, हर तरफ शेर ही शिकार करेगा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का रावलपिंडी में लियाकत बाग में जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ को एक बार फिर वजीर आजम बनाए, रावलपिंडी को लाहौर ना बना दिया तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, वादा करता हूँ नवाज शरीफ के खादिम की तरह खिदमत करूंगा। नवाज शरीफ ने जो वादे किए उनका पूरा किया, 8 फरवरी को लग पता जाएगा, शेर शिकार करेगा, हुकूमत में आकर अवाम की किस्मत बदल देंगे। मंशूर अगर वो जमात पेश करे जिसकी 15 साल से एक सूबे में हुकूमत है, बिलफर्ज अगर वो तालीम का मंशूर पेश करती है कि तालीम में हम ये कर देंगे, तालीम में हम वो कर देंगे, और आज भी उनके सूबे में जहां उनकी 15 साल हुकूमत रही है, स्कूलों की क्लासरूम्स में बच्चों की बजाय वहां पर माल मवेशी भैंसे बंदी हो, तो कैसा मंशूर है वो।
एक जमात की 15 साल हुकूमत रही है मगर सूबे के स्कूलों में मवेशी बंधे हुए हैं। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की एक बार फिर बिलावल भुट्टो पर तनकीद। एबटाबाद में जलसे से खिताब करते हुए कहा, मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं, एक वादा होता है। नवाज शरीफ हर वादा पूरा करते हैं। खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के वास्ते इस बार सोच समझ कर वोट देना। वोट पर्ची नहीं, आपकी तकदीर का फैसला है। हमने पूरा मनसूबा बना लिया है। आटा, चीनी, सब्जी, दालों की ये कीमतें कैसे कम करनी है। नून लीग को 5 साल मिले तो हर नौजवान की तकदीर बदलेगी। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनने का ख्वाब छोड़ दें, फैसले अब बंद कमरों के बजाय अवाम करेंगे। रहनुमा पीटीआई बैरिस्टर गौहर का चगरजई में कन्वेंशन से खिताब, बोले 8 फरवरी आजाद पाकिस्तान का दिन है, अवाम वोट के जरिए मुखालफीन से बदला लेंगे। अगर 8 फरवरी को अवाम को रोका गया तो मुल्क का नुकसान होगा। बानी पीटीआई आइन की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। बानी पीटीआई के टाइगर्स वोट की हिफाजत करना जानते हैं। पीछे वालों को हमने ऐसा बिठाया कि वापस नहीं आ सकेंगे, अगर फितना मुल्क पर मुसलत होता है तो उसका मुकाबला करेंगे। सरबरा जेयूआई मौलाना फजलुर रहमान का शिकारपुर में जलसे से खिताब, बोले मुखालिफिन कहते हैं मौलवी साहब इक्तदार और कुर्सी की जंग लड़ रहा है। हमारी जंग इस्लाम को इक्तदार में लाने की है। इस्लाम को इक्तदार में लाने की जंग की वारिस जेयूआई है। इक्तदार और कुर्सी की जंग तो तुम लड़ रहे हो, कुर्सी तक पहुंचना ये हमारी जिंदगी का मकसद है। मुल्क की इस्लाह का वक्त आ गया, मुल्क को इस्लामी शनाख्त देनी है। कब तक पाकिस्तान अल्लाह के दीन से महरूम रहेगा। नून लीग का 1 साल में महंगाई 10% कम करने का वादा, नवाज शरीफ ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। 5 साल में गुर्बत में 25% और बेरोजगारी में 5% कमी की जाएगी। 1 करोड़ नौकरियां पैदा की जाएंगी। इक्तसादी तरक्की की शरह 6% से ऊपर लाने का हदफ मुकर्रर। नून लीग की हुकूमत बनने पर सालाना तरसीलात जर 40 अरब डॉलर और बरामदात 60 अरब डॉलर तक जाने का टारगेट होगा। फसल की पैदावार में इजाफे के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाएगी। कम आमदन वाले अफराद के लिए मुफ्त इलाज की सहूलत होगी। तमाम सरकारी दफातर को अवाम और माहौल दोस्त बनाएंगे। मंशूर पर अमल दरामद के लिए खुसूसी अमल दरामद काउंसिल कायम होगी। नून लीग ने स्लोगन पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो रखा है। नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती कायम करना नून लीग के मंशूर का हिस्सा। छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह और बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल के अंदर यकीनी बनाना होगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल करना होगा। बर वक्त और मौसर अदालती निज़ाम का नफाज किया जाएगा। नून लीग के मंशूर में अदालती असलाहत भी शामिल। अदालती कानूनी पंचायत सिस्टम और तनाज़ात के तस्वीर का मुतबादल निज़ाम होगा। इंसदाद बदनवानी के इदारों और एजेंसीज को मजबूत किया जाएगा। कमर्शियल अदालतें कायम होंगी। अदलिया में डिजिटल निज़ाम कायम और अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर की जाएगी। चुनो नई सोच को पीपल्स पार्टी ने मंशूर का इंतखाबी स्लोगन पेश कर दिया। हुकूमत मिलने पर 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा। बिजली बहरान पर पायदार हल मुहैया करेंगे। ग्रीन एनर्जी पार्क तामीर करेंगे। उजरती वर्कर की हकीकी आमदन दुगनी होगी। नौजवानों को सरकारी नौकरियों के मौके देंगे। गरीब तबके के लिए मकानात की तामीर होगी। हर जिला में कम अज कम 1 यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। ज़राअत और छोटे कारोबार में इस्लाहात को फरोग देना भी पीपल्स पार्टी के मंशूर में दर्ज। हमारी जंग महंगाई और गुर्बत के खिलाफ है। मसाइल जितने भी संगीन हो शेर मुकाबला करेगा। रहनुमा मुस्लिम लीग नून हमजा शाहबाज का लाहौर में रैली से खिताब, बोले नवाज शरीफ ने जो वादा किया वो पूरा किया। महंगाई के जिन को बोतल में बंद कर देंगे, 8 फरवरी के बाद मुल्क की तरक्की का काम करेंगे। मुल्क को कायदे आजम का खुशहाल पाकिस्तान बनाएंगे। हमने बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा किया। बिजली के कारखाने लगेंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे। हमजा शाहबाज के पहुंचने पर आतिशबाजी का भी मुजाहरा। कारकुन शेर आया के नारे भी लगाते रहे।
हमारा असल मकसद पाकिस्तान को संवारना है, इत्तेहादियों से मिलकर अगले 5 साल में मुल्क की हालत बदल देंगे। चेयरमैन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन लोधरा बार से खिताब करते हुए बोले, साबिक हुक्मरानों ने थाना कचहरी की सियासत को फरोग दिया, हमने रिवायती सियासत का खात्मा करके लोगों को इंसाफ दिलवाना है। 8 फरवरी को मुझे कामयाब करवाएं, लोधरा को मिसाली जिला बनाना मिशन है। सदर IPP अब्दुल अलीम खान ने लाहौर के इलाके गड़ी शाहू में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा, गरीब घरानों की कफालत मेरी जिम्मेदारी होगी, जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं होगा उनका सारा खर्च मैं उठाऊंगा, मेरे होते हुए कोई खुद को यतीम न समझे, खवातीन के लिए रोजगार का बंदोबस्त करूंगा। परवेज खटक ने बानी पीचाय को फितना करार दे दिया। चेयरमैन पीचाय पार्लियामेंटेरियन ने खुश्की में जलसे से खिताब में कहा, बानी पीचाय एक फितना और मुल्क को आग लगाना चाहता है। बानी पीचाय ने आते ही फौज के साथ तसादुम शुरू किया। फौज और फौजी तंजीबात पर हमले सिर्फ मुल्क के दुश्मन करते हैं, हम फौज के साथ तसादुम के लिए सियासत नहीं कर रहे। पीचाय के 20 आजाद उम्मीदवार मेरे साथ राबते में हैं। साइफर केस में अहम पेशरफ्त बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी के वकला पेश न होने पर सरकारी वकला सफाई मुकरर। मलिक अब्दुलरहमान को बानी PTI और हजरत यूनस को शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकरर किया गया। बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट काउंसिल्स पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया। शाह महमूद ने कहा, उन्हें सरकारी वकील नहीं चाहिए, केस खुद लड़ेंगे। दौरान समात काउंसिल से फाइल छीनकर दीवार पर दी मारी, अदालत की वार्निंग। जज ने रिमार्क्स दिए, आसान था कि आपका दिफा का हक खत्म कर देता, आपको सरकारी वकील दिए ताकि आपकी नुमाइंदगी हो। सुप्रीम कोर्ट में FIA की जानिब से सहाफियों को हिरासा करने से मुतालिक अस्खुद नोटिस के समात के लिए मुकर्रर चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समात करेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। DGFI और IG इस्लामाबाद को नोटिस, अटर्नी जनरल ऑफिस और एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद को भी नोटिस जारी। दूसरी जानिब FIA ने 115 इंक्वायरियां बाजाबता तौर पर रजिस्टर कर ली, 65 अफराद को नोटिसेस भी इरसाल। FIA के नोटिसेस पर समात की तारीख 30 और 31 जनवरी मुकर्रर की गई।